संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। विश्वे अस्मिन् विश्वे प्रायशः कोटित्रयम् संस्कृत पांडुलिपियन् सन्ति। भारते प्रायशः 70 लक्ष पांडुलिपियाँ संरक्षिता सन्ति। तासु केवलम एकस्य लघु भागस्य समीचीनतया अध्ययनं कृतं वर्तते। भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं। संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रों कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है। एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय भगवान श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरित मानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। रुद्राष्टकम के शब्द हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी आराधना की थी, स्तुति की थी, और उसने अपना स्तोत्र स्वयं रचा था जो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द हैं डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुरे शिव धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण ममा धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्वर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। यहां बैठे किसी एक 5 वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये 2 श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रावण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 डमन ये रावण का श्लोक होगा क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। एक और उदाहरण देती हूं, आप हैरान हो जाएंगे। संस्कृत के एक रचनाकार हैं दंडी। उनका एक नाटक है दश कुमार चरितम जिसमें 10 राजकुमारों की कथा है अलग अलग। उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्रुत की। प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। एक तीर आकर उनके होंठ पर लगता है और उनका निचला होंठ कट जाता है। मित्रों, इस प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है। कितने ही संवाद विश्रुत बोलता है लेकिन दंडी ने पूरे संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विश्रुत से नहीं करवाया है। ओष्ठांग क्या है? पूरा अल्फाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो ओष्ठांग है। प फ ब फ म, प फ ब फ म दोनों होंठ मिलाकर बोले जा सकते हैं। अगर दोनों होंठ में से एक होंठ नहीं है तो आप प नहीं बोल सकते, ब नहीं बोल सकते, भ नहीं बोल सकते, म नहीं बोल सकते। ये पवर्ग ओष्ठांग है। तो अगर उसका एक होंठ कट गया तो उसने पवर्ग का उच्चारण कैसे किया, ये कोई भी प्रश्न कर सकता था रचनाकार से। इसलिए अनेक संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकती, संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। शायद इससे बड़ी अज्ञानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। संस्कृत जनभाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ लोग, बिना विद्यालय में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे। सामने से एक लकड़हारा आ रहा था। उसने लकड़ियां काटकर अपने सिर पर रखी हुई थी, पसीनो पसीन था। राजा ने लकड़हारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बातचीत होती थी, संस्कृत ही जनभाषा थी। तो राजा ने लकड़हारे से कहा, किमते भारम बाधती, क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लेकिन बाध शब्द जो है मित्रों वो धातु है जो परस्मय पदी नहीं चलती, आत्मनेपदी चलती है। संस्कृत में दो तरह की धातुएं हैं, परस्मय पदी चलती है बाधती बाधता बाधंती, और आत्मनेपदी चलती है बाधते बाधेते बाधनते। बाध शब्द जो है वो आत्मनेपदी में है। तो लकड़हारा जवाब क्या देता है? भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। कि राजा मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुंह से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधती शब्द का अशुद्ध उच्चारण आपने किया है। ये शब्द बाधते होना चाहिए। भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। तो कौन कहता ये जनभाषा नहीं रही? ये जनभाषा रही है। आज अभी शंकर जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत जानने वाले की सोच है। संस्कृत बोलने वाला पूरी पृथ्वी को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत बोलने वाला पृथ्वी को परिवार मानता है, और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता है। और ये सोच का अंतर है, क्योंकि परिवार में प्यार होता है मित्रों, बाजार में व्यापार होता है। केवल व्यापार, शुद्ध व्यापार। लेकिन ये कौन बताएगा लोगों को कि भारतीय संस्कृति में पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सर्व की बात करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्व के कल्याण की कामना किसने की है? लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन ये है वो भारतीय संस्कृति जो सर्व के कल्याण की कामना करती है।